Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Ms. Ikra Javed and my subject is Principle of Macroeconomics, and I am teaching ADP Semester 2 of Business Management and Accounting and Finance. And today our chapter is Measuring the Cost of Living, chapter number 11, and the page number is 218. First of all, we look at this chapter, the answers to these questions. What is a consumer price index? How is it calculated? What's it's used for? What are the problems with the CPI? CPI is the consumer price index. And what are the problems with the problems with the CPI? How does the CPI differ from the GDP deflator? GDP deflator, which we discussed in the previous chapter. How can we correct interest rate for inflation? ये कुछ questions हैं जो हम इस chapter में discuss करेंगे. Previous chapter में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, GDP, gross domestic product, एक equation पढ़ी थी. इसी तरह हमने previous chapter में real and nominal GDP पढ़ा था. Real and nominal GDP. रियल एंड नॉमिनल जीडीपी हमने पढ़ा था. नेक्स्ट उसके बाद हमने कुछ चीज़ें जीडीपी डिफ्लेटर को हमने डिस्कस किया था. ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी. हमारा नॉमिनल जीडीपी, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट करंट प्राइस. नॉमिनल जीडीपी में जब हम इसको करंट प्राइस के ऊपर जाते हैं, करंट प्राइस की वो हमारी नॉमिनल बनती है. रियल जीडीपी जिसमें हम बेस ईयर की तरफ बात कर लेते थे, कुछ बातें हैं उसी से बेस करते हुए बेटे हम नेक्स्ट इस चैप्टर में आएंगे. हमने सीपीआई पढ़ना है. जीडीपी डिफ्लेटर क्या था हमारे पास, आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत रिमेंबर हो तो जीडीपी डिफ्लेटर की मैं कुछ यहाँ पे डेफिनेशन लिखने लगी हूँ. ये फार्मूला हमने पढ़ा था. जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी. नॉमिनल, हमने जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला पढ़ा था, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी. इस चीज़ को आपने जहन में रखना है. अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या था कि इन्फ्लेशन की तरफ ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइजेज जो था उसको फाइंड आउट करता था. इस चीज़ को जहन में रखिएगा. आज जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास आता है द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. व्हाट इज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई. बेसिकली बेटे आप जस्ट इसको ये जहन में रख लें कि सीपीआई एक्चुअली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपके मुल्क में इन्फ्लेशन रेट को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हाउ इकोनॉमिस्ट यूज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेट द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग. एक मुल्क के अंदर वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनको क्वांटिटी को जिस तरह से मेजर करते हैं. लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ इकोनॉमिस्ट मेजर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग. अब कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू सस्टेन अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय अफोर्डिंग बेसिक एक्सपेंसेस. कि आप अपनी ज़िंदगी में जो अपनी एक लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंस करते हैं, जो पैसा लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिंपल सी बात है, एक इंसान है, आप एक पर्सन है, एक आम सी ज़िंदगी गुजार रहा है. उस आम ज़िंदगी में उसके पास पैसा आता है, इनकम. इनकम से वो अपना एक लाइफ स्टैंडर्ड एक सेट करता है. उस लाइफ स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए उसको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी. जो वो अमाउंट पे करता है, जो अमाउंट उसको मनी की ज़रूरत होती है, वो उसकी बेसिक एक्सपेंस के ऊपर जो लगती है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि आपकी हाउसिंग, फूड, टैक्सेस, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, वट एवर कुछ भी आप इसमें से काउंट कर सकते हैं. क्लियर, तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कहलाता है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में डिस्कस करेंगे. इट फर्स्ट पॉइंट है आपका
इट इज़ यूज टू मोनिटर चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर टाइम। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ। एक लाइफस्टाइल होता है, एक लाइफ स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके मुल्क में प्राइजेज बढ़ भी जाती हैं तो क्या होता है, क्या आया एक इंसान जो ज़िंदगी गुजार रहा होता है, अच्छे तरीके से गुजार रहा होता है, आया क्या वो उसको अपने स्टैंडर्ड को गिरा देता है अगर कीमत बढ़ जाए तो? वो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि उसके एक लाइफस्टाइल, एक स्टैंडर्ड, एक सेट हुआ हुआ होता है। अगर कीमतें इंक्रीज कर भी जाते हैं, प्राइजेज इंक्रीज़ कर भी जाती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो अपना लाइफ स्टैंडर्ड को जो है वो गिरा दे या वो अपना जो है वो उसको उस लिहाज से कवर अपना कर सके। वो कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर करेगा कि मेरा लाइफ स्टैंडर्ड वही मेनटेन रहे। तो वेन द सी पी ए राइजेज द टिपिकली फैमिली हैज़ टू स्पेंड मोर मनी टू मेनटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मीन अगर सी पी आई राइज कर जाता है, अगर आपके मुल्क में जो है वो सी पी आई मीन्स इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ कर जाता है। अब सी पी आई का बेसिकली बेटे आपने जहन में यही रखना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो आपके मुल्क में इन्फ्लेशन रेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए सी पी आई इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? वेन द सी पी आई राइजेज द टिपिकल फैमिली हैज़ टू स्पेंड मोर मनी। एक टिपिकल एक फैमिली जो होगी उसका क्या होगा कि अपने पैसा जो है उसने स्पेंड करिए मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर? उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिस्ट हमारे यूज़ द टर्म इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट हमने क्या है, इज़ द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लेवल फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड। क्या आपका परसेंटेज चेंज, आपका मीन जब आपके मुल्क में प्राइजेज इंक्रीज करेंगे वो इन्फ्लेशन होगा। अब सी पी आई इज़ बेटर रिफ्लेक्ट्स द गुड्स एंड सर्विसेज बोर्ड बाय द कंज्यूमर्स, इट इज़ द मोर कॉमन गॉज ऑफ इन्फ्लेशन। मीन्स बेसिकली वही बात मैं बार बार आपको कर रही हूँ, एक सी पी आई एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपके मुल्क में इन्फ्लेशन रेट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली इसका यही एक अच्छा एक इंडिकेटर है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। अब एक बेसिकली हम डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। डेफिनेशंस को आपने फर्स्ट थ्री पॉइंट्स हैं इस थ्री, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है जी व्हाट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये तीन पॉइंट्स अगर लिख देते हो तो इसकी डेफिनेशन कंप्लीट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज़ द मेजर ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस। क्लियर? ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन मेजर ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाउट बाय अ टिपिकल कंज्यूमर, कि एक इसकी ओवरऑल प्राइसेस आपकी मेजर करती है और एक मेजर ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कंज्यूमर टिपिकली उसको ख़रीदता है उसका ओवरऑल कॉस्ट जो होगी वो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाती है। क्लियर? और नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है बेटे कि आपका जो कंप्यूटेड एंड रिपोर्टेड एवरी मंथ बाय द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स BLS इन द US, मींस आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो हर महीने आपका BLS यानी कि ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स उसको मेजर करता है, उसकी वैल्यूज निकालता है, देन उसको मेजर करते हुए कुछ ना कुछ एक बास्केट ईयर्स हम डिसाइड करेंगे। वो बास्केट ईयर के हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या होता है। बेसिकली आप इसमें सिंपल अभी फ़िलहाल इतना इसको जहन में रखें, देखें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है कि आपका ओवरऑल प्राइस लेवल को मेजर करता है, इसके अलावा एक बेस्ट इंडिकेटर है इन्फ्लेशन रेट को मेजर करने का। उसके बाद इट एम्स टू कंपेयर अ कंसिस्टेंट बेस ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर और इट फोकसेस ऑन प्रोडक्ट्स डेट आर बाउट एंड यूज बाय कंज्यूमर डेली। मीन्स फॉर एग्जाम्पल देखें डेली यूज कंज्यूमर गुड्स, अब कौन कौन सी डेली कंज्यूमर गुड्स हैं, प्राइस ऑफ मिल्क, एग्स, टूथपेस्ट, हेयर कट एक्सेट्रा। मीन्स आप फॉर एग्जाम्पल छोटी सी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मैं समझाती हूँ, आपकी बुक में भी इसको डिस्कस किया गया है, आप देख लीजिएगा। डेली कंज्यूमर की एक बास्केट, फॉर बास्केट को उसने कर लिया कि कंज्यूमर इन चीज़ों को हर हालत में ख़रीदता है, जैसे कि प्राइस ऑफ मिल्क हो गया, एग्स हो गई, टूथपेस्ट हो गया, हेयर कट, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो उसने ख़रीदनी है, ये इसकी एक बास्केट बन जाती है। इसको उसने एक ग्रुप समझे, एक ग्रुप में ले लिया, एक ग्रुप में लेने को उसने एक बास्केट का नाम दे दिया। इसी तरह आप कुछ और चीज़ें लेते हैं, उन चीज़ों की एक बास्केट, हम बास्केट टू बास्केट हम जब उनकी इन्फ्लेशन रेट एक साल से दूसरे साल, फॉर एग्जांपल आप ये एक बास्केट लेते हैं, इस साल इसकी आप जितने पैसे इसके ऊपर लगा रहे थे अगले साल इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं,
अब आप देखें जब इनकी कीमतें बढ़ी, आपकी बेसिक नीड्स हैं, आपको ये हर हालत में लेनी लेनी है, दूध आपको हर हालत में लेना है, एग्ज़ आपको हर हालत में लेना है, टूथपेस्ट होगी आपका, फूड होगी, वेजिटेबल्स होगी आपका, जो भी खाने